ये पीर साहब के मुरीदीन हैं जी, जो आए हुए हैं, कुछ थके हुए सो रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, ये अंदर जी बाजा पी रहे हैं। इधर जी देसी मुर्ग का आज आपको हम दिखाएंगे एक अच्छी सी डिश। इसके लिए देसी मुर्गियां चाहिए, मुर्ग तीन मुर्गे हैं माशाल्लाह जी। ये प्याज है, इसमें अदरक है, ये लहसुन है जी, ये टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, ये नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं, ये गरम मसाला है। ये हमारे शेफ़ हैं अली लाला साहब, ये अभी पकाएंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे इसको रेडी करते हैं फिर आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी, लहसुन और अदरक ये डाल के चूल्हे के ऊपर ये दे देंगे देसी तरीके से। ये बन रहा है और अब इसको प्याज को ये ब्राउन करेंगे, साथ अदरक लहसुन भी हो जाएगा। और इसके बाद जो है कि ये इसमें मसाले डालेंगे और अच्छी तरह मसाला बनाने के बाद देसी मुर्गी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हरी मिर्च डाल दी है, कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं जी माशाल्लाह। अब ये नमक डालने लगे हैं, इसकी आँच नमक डालेंगे, ये गरम मसाला डालेंगे, डालो बस। डालें टमाटर डाल रहे हैं, ये जी गरम मसाला डाल रहे हैं, हमने जी गरम मसाला डाल दिया। ये जी हमारे अली लाला साहब ने इसमें हल्दी भी डाल दी है, अब इसको अच्छी तरह ये भुनाई करेंगे माशाल्लाह जी। अच्छी तरह भुनाई होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला भुन गया जी, अब इसके अंदर देसी मुर्ग डाल रहे हैं जी। देसी पानी नहीं डाले लाला, पानी नहीं डाला, ऊपर से डाले माशाल्लाह जी। पंजाब की देसी मुर्गी की हम आपको इंशाल्लाह सोबत बना रहे हैं जी, हमारे ये स्पेशल। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे जी, जैसे ये भुन जाएगा इसमें पानी डाल के रख देंगे पकने के लिए, गलता रहेगा जी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसकी जो महक है वो खुशबू में बदल जाए। खुशबू तो अभी बहुत प्यारी आ रही है मसाले की। जब अच्छी तरह भुन जाएगा इसके अंदर पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भून गया है जी, अब इसके अंदर पानी डाल के इसको रख देंगे और ये ढोल की ताप के ऊपर धमाल डाल रही है जी। हजार पे जायरी सलामी देने आए हैं। ये हम
हमारे एक दोस्त हैं जी, शायद शादीशुदा ट्रिपल एस, ये भी आए हैं जी गुजरांवाला से।